हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे OMN अंडर 19 वर्सेस BAH अंडर 19 के बीच में जो ये मैच होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों, कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलने वाले हैं, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे बेहतर परफॉर्म कौन से प्लेयर्स ने किया है। दोस्तों, और किसी आप इस मैच के अंदर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। यकीन मानो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा, सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहां पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। अभी हम लोग टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि लाइनअप के बाद एक दो खिलाड़ी चेंज होगा दोस्तों इस टीम में, तो फाइनल अपडेट आपको कर दिया जाएगा। एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप कमेंट करते हैं, पहला कमेंट पे मैंने लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मैच है ये दोस्तों आपको सुबह 11 बजे मुकाबला देखने को मिलेगा, ग्राउंड वही रहेगा, AL एमरे क्रिकेट ग्राउंड ओमन में ये मुकाबला होगा। दोस्तों, यहाँ का पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, जिस प्रकार मैचेस अभी तक हुआ है दोस्तों, यहाँ पे बैटिंग पिच आप कह सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अभी तक देखोगे तो 200 के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पे मतलब लो स्कोरिंग पिच है दोस्तों, और कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो लगातार विकेट्स भी निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस मैच के अंदर तो यहाँ पे ओमन अंडर 19 के प्लेयर्स के जीतने के बहुत ज़्यादा चांस है इस मैच में, तो ये चीज़ माइंड पे रखना। दोस्तों, यहाँ पे ओमन अंडर 19 के जो टीम अभी तक पाँच मैचेस खेला है, चार मैचेस जीता है और एक मैच लॉस किया है। यहाँ पे अभी तक देखेंगे दोस्तों तो एक मैच हेड टू हेड ऑलरेडी इन दोनों के साथ हो चुका है, जहाँ पे 178 का टारगेट इन्होंने दिया था पहले बल्लेबाजी करते हुए, जो कि BAH अंडर 19 के जो टीम है दोस्तों, इस रन को चीज नहीं कर पाए थे, और पहला ही मुकाबला जो है ओमन की टीम ने विन करा है। यानी एक चीज़ तो आप समझ सकते हैं कि ओमन की टीम काफ़ी मजबूत टीम है दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू BAH अंडर 19 के टीम के, ठीक है, ये चीज़ माइंड पे रखना। चलिए अब बैटिंग ऑर्डर की बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख लोगे एक बार यहाँ पे BAH के टीम के बारे में, इन्होंने एक ही मैचेस विन करा है और दो मैच लॉस किया है, तीन ही मैचेस अभी तक इस टीम ने खेला है, ठीक है। चलिए बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आदित्य पराग खेलते हुए नजर आएंगे, सेकंड मैच में खेलते हुए पहले मैच के अंदर 13 रन, फिर 0, फिर 23, फिर 13, फिर 28 रन प्लस 3 विकेट। ओवरऑल देखोगे तो 77 रन बना के 3 विकेट निकाल चुके हैं टीम के, सेकंड राउंड पर खेलते हुए दिखेंगे। बढ़िया प्लेयर रहने वाला है दोस्तों, इनको अपने टीम के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा प्लेयर रहेगा। बाकी अर्जुन धीमन फर्स्ट राउंड पर ये खेलने वाले हैं दोस्तों, और ये अपने स्पेल के कंप्लीट ओवर गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। ये दोस्तों देखो, ये पार्ट टाइम बॉलर है, हालांकि लास्ट मैच के अंदर ही बॉलिंग करा था, और ये जो है ना, ये कंप्लीट ओवर हर एक मैच के अंदर बॉलिंग करेंगे, 7 से 8, 8 से 10 तक लगभग बॉलिंग करते आपको दिख जाएंगे। फर्स्ट मैच के अंदर देखोगे 13 रन प्लस 2 विकेट, फिर 47 रन प्लस 6 विकेट निकाले थे, फिर 32 रन प्लस 1 विकेट, फिर 13 रन प्लस 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 28 रन स्कोर करा है। ओवरऑल देखोगे 123 रन बना के 10 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों। ये भी खिलाड़ी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए अर्जुन धीमन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आर्यन बिस्ट को मैं ट्राई करूंगा दोस्तों वाइस कैप्टनसी के लिए। देखो, जिनको जिनको मैंने कलर कर रखा है ना जिनके नाम पर, इसका मतलब वो है कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, ये चीज़ माइंड पर रखना। थर्ड राउंड पर खेलते हुए आर्यन बिस्ट नजर आएंगे, पहले मैच के अंदर 13 रन प्लस 2 विकेट, फिर 60 रन बनाए थे दोस्तों, इसमें कोई विकेट नहीं मिला है इनको, फिर यहाँ पे 13 रन प्लस 4 विकेट, फिर 48 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे 49 रन बनाए थे, इसमें कोई विकेट इनको नहीं मिला है, लेकिन बढ़िया खेलते हैं। ओवरऑल देखोगे 183 रन प्लस 8 विकेट, बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इनको भी जरूर ट्राई करना है आपको। थंकी की बात करेंगे दोस्तों, बैटिंग से पहले मैच के अंदर फ्लॉप, बॉलिंग से ही फ्लॉप रहा है, चार मैचेस खेला, चारों मैच के अंदर ये जो प्लेयर तीन मैचेस खेला अभी तक, तीनों मैच के अंदर ये फ्लॉप रहे, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी देवांश लोया की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर ओपन करते 29
21 रन बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे 13 रन, फिर यहाँ पे 16 रन, फिर 29 और लास्ट मैच के अंदर 2 रन स्कोर करा है। वहीं दोस्तों ग्लेन की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 3 रन स्कोर करा, 1 विकेट, फिर 30 रन प्लस 2 विकेट निकाला हुआ है, फिर 3 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे 15 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक देखोगे 41 रन प्लस 4 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है। तो गेंदबाजी के मामले में देखोगे तो ये कंप्लीट ओवर लगभग करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको अवॉइड भी करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इनसे भी बेटर रिकॉर्ड आपके आगे आपको देखने को मिलेगा प्लेयर्स का। पहले यहाँ दोस्तों मोहम्मद अराफत की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 4 रन प्लस 2 विकेट, फिर 7 रन प्लस 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहे। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो 15 रन बना के दोस्तों 5 विकेट इन्होंने निकाल चुका है। वहीं लक्ष्मी की बात करेंगे दोस्तों, ओपन करते हैं, पहले मैच के अंदर 31 रन प्लस 1 विकेट, फिर 9 रन, फिर 7 रन, फिर 31 रन प्लस 1 विकेट, फिर 52 रन प्लस 2 विकेट। ओवरऑल देखेंगे 130 रन बना के दोस्तों इन्होंने 4 विकेट निकाल चुके हैं। तो ये भी खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देते हैं, इस वजह से मैंने इनके नाम पे कलर कर रखा है। अगर आप चाहो तो इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ले सकते हैं। राहिल की बात करेंगे दोस्तों, ये जो प्लेयर है 6 नंबर पे खेलते हैं, पहले मैच के अंदर दोस्तों यहाँ पे 9 रन बनाया हुआ है 6 नंबर पे खेलते हुए, और दूसरे मैच के अंदर दोस्तों यहाँ पे 23 रन स्कोर करा है, फिर 9 रन, फिर यहाँ पे 1 रन। आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। सिद्धा मेहता पहले मैच के अंदर 6 रन, फिर 23 रन प्लस 1 विकेट, फिर 6 रन, और लास्ट मैच के अंदर 9 रन बनाया हुआ है। तनुज की बात करेंगे दोस्तों, ये पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर 24 रन प्लस 3 विकेट, फिर फ्लॉप, और लास्ट मैच के अंदर भी फ्लॉप रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये भी लगभग लगभग बॉलिंग करते हुए दिख जाते हैं दोस्तों, कंप्लीट ओवर अभी तक देखोगे 44 रन बना के 3 विकेट निकाला हुआ है। अगर बात करेंगे प्रतीश के बारे में, ये एक ही मैचेस खेला, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड है दोस्तों ओमन अंडर 19 के सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे BAH अंडर 19 के टीम के बारे में, मोहम्मद अली खेलते हुए नजर आएंगे, पहले मैच के अंदर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप, फिर यहाँ पे 13 रन, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहा है। ओवरऑल देखोगे मात्र 14 रन स्कोर करा है। आप इनको चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं इस मैच के अंदर, कुछ खास रिकॉर्ड इनका है नहीं, ठीक है। वहीं दोस्तों आर्यन की बात करेंगे तो दोस्तों पहले मैच के अंदर आर्यन अश्विन जो कि पहले मैच के अंदर ओपन करते 56 रन, फिर यहाँ पे दोस्तों 1 रन बनाया, फिर यहाँ पे 6 रन। ओवरऑल देखोगे 113 रन बनाया हुआ है। और वहीं अभिनव ग्रीष की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 27 रन, फिर 5 रन, फिर 4 रन। ओवरऑल देखोगे 36 रन बनाया दोस्तों। बाकी यहाँ पे विश्वेश की बात करेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 28 रन प्लस 1 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहा था। ओवरऑल 28 रन बना के 1 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है। मोहम्मद अदिल ये पहले मैच के अंदर 30 रन प्लस 2 विकेट। अब बैटिंग ऑर्डर को ध्यान में रखना, ठीक है, सारे बैटिंग ऑर्डर नाम यहाँ पे नाम के बाद लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे 22 रन प्लस 4 विकेट, फिर 5 रन। ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो 57 रन बना के 6 विकेट इन्होंने निकाल चुका है। बाकी यहाँ पे आर्यन कोल की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 36 रन, दूसरे मैच के अंदर 6 रन स्कोर करा है। बाकी इनका रिकॉर्ड अगर आप देखोगे 3 मैचेस खेला है, तीनों मैच के अंदर फ्लॉप रहे थे, पहले 2 रन, फिर 0, फिर 7 रन। आप इनको चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड कुछ खास यहाँ पे है नहीं। आर्यन पांडे की बात करेंगे दोस्तों, ये पहले मैच के अंदर 8 रन बनाए थे, कोई विकेट इसमें नहीं मिला है इनको। फिर यहाँ पे 14 रन बनाए थे दोस्तों, फिर यहाँ पे देखोगे दोस्तों यहाँ पे 1 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 1 रन। ओवरऑल देखोगे 23 रन बना के 1 विकेट निकाला। ऋषभ रमेश पहले मैच के अंदर 28 रन, फिर 8 रन, फिर यहाँ पे 19 रन स्कोर करा है, फर्स्ट राउंड का बैट्समैन है। ओवरऑल देखोगे तो 55 रन बनाया हुआ है। शशांक शुक्ला पहले मैच के अंदर 1 रन प्लस 4 विकेट निकाला, फिर फ्लॉप, और लास्ट मैच के अंदर ही फ्लॉप रहा है। अभी तक देखोगे टोटल यहाँ पे 4 रन बना के 4 विकेट निकाला हुआ है। नदीत पहले मैच के अंदर 6 रन प्लस 3 विकेट निकाले हैं, फिर 8 रन प्लस 4 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहा है। ओवरऑल देखोगे तो 14 रन बना के 7 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है। वजीर अहमद बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहा है, इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तेजस की बात करेंगे, सेकंड राउंड पे खेलते हुए दोस्तों 6 रन बनाए थे, कोई विकेट इसमें नहीं मिला है। लेकिन ये जो प्लेयर है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इनको भी अपने टीम के अंदर ट्राई कर सकते हैं, इनका भी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं दोस्तों बेटर है। क्योंकि इनका अगर आप T20 फॉर्मेट और ODI का रिकॉर्ड मैंने जिस दिन पहला वीडियो में बताया था, तो ये बढ़िया प्लेयर है। लेकिन अभी इस टूर्नामेंट के अंदर इनको अच्छा मौका नहीं मिला है। बल्लेबाजी हालांकि टीम का टॉप ऑर्डर में भेजा था जिसे फ्लॉप रहे थे, लेकिन बॉलिंग मात्र 1 ओवर मिला था। तो अगर ग्रैंड लीग के अंदर आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज सेफ प्लेयर आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं, सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड आपके सामने है दोस्तों। जिसका भी रिकॉर्ड आपको बेटर लग रहा है, जो जल्दी बैटिंग करने के लिए आते हैं, बॉलिंग करते हैं दोस्तों, आप सारे इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अगर आप चाहो तो इजी टीम बना सकते हो। हालांकि मैंने आपके हेल्प करने के लिए दोस्तों एक डेमो टीम बनाया हुआ है, चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर से दोस्तों, तो आर डैनियल बेस्ट रहेगा, ओमन के टीम की तरफ से बहुत बढ़िया प्लेयर रहने वाले हैं दोस्तों। इनको अपने टीम के अंदर मैं ट्राई करूंगा, इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। बैटिंग में देखोगे 3 बैट्समैन जिसमें से ए अश्विन बेस्ट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एल नारायण को ट्राई करूंगा ओमन के टीम की तरफ से, इनका भी रिकॉर्ड बहुत सुपर है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ओमन के टीम की तरफ से मैं इनको भी लेने वाला हूँ। ये 3 बैट्समैन आपके टीम के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी दोस्तों, ये तीनों के तीनों आपको टीम के टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे BAH अंडर 19 के टीम की तरफ से, मुझे इनका रिकॉर्ड अच्छा लगा नहीं है, काफी लोगों ने लिया हुआ। अगर आप ग्रैंड लीग के अंदर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ऑलराउंडर में देखोगे दोस्तों, तो मैंने 4 इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर को ले रखा है।
जिसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैप्टनसी के लिए बेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैप्टनसी के लिए दोस्तों यहाँ पे ए सुरेश धीमन को ट्राई करना है, एम अदिल को मैं ट्राई करूँगा दोस्तों, ए बीस्ट वाइस कैप्टनसी के लिए शानदार पिक रहने वाला है, और यहाँ पे टी शिवा कुमार को मैं ट्राई करूँगा। ये चार ऑलराउंडर प्लेयर आपके टीम के अंदर होना जरूरी है। बाकी बॉलिंग में देखोगे तीन बॉलर, जिसमें से बी ए एच अंडर 19 के दो प्लेयर बहुत शानदार है, बाकी यहाँ पे एम अराफत को मैं ट्राई करूँगा, इनका भी रिकॉर्ड बहुत शानदार है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इनके साथ भी जा सकते हैं, ये भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। बाकी टीम प्रीव्यू देख सकते हैं दोस्तों, मेरे साइड से टीम प्रीव्यू देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी के लिए ए सुरेश धीमन को मैं ट्राई करूंगा, वाइस कैप्टनसी के लिए ए बीस्ट बेस्ट रहने वाला है, ठीक है, तो आप इनको ट्राई करना वाइस कैप्टनसी के लिए। तो ये मेरे साइड से टीम है दोस्तों, इसमें अगर आपको एक दो प्लेयर चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर मेरे साइड से एक दो प्लेयर चेंज होता है लाइनअप के बाद तो मैं आपको फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं दोस्तों, पहला कमेंट में मेरे लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।